नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। बिस्किट खिलाने के बहाने मजदूर की बेटी का पहले अपहरण किया और उसके बाद में राजस्थान में वेश्यावृत्ति करने को मजबूर किया। जी हां साथियों, बता दें कि दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अब आरोपी को 3 वर्ष कारावास और 1,02,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया है कि बीती 12 अप्रैल 2008 को एक व्यक्ति ने करवी कोतवाली में अपनी 8 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार वह मजदूरी करने घर से बाहर गया था और इस दौरान उसकी 8 वर्षीय बेटी अचानक से गायब हो गई थी। इस घटना के लगभग 11 साल बाद 18 जून 2019 को फिर से वादी ने कोतवाली करवी में प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि लगभग 11 साल पहले उसकी जो बेटी लापता हुई थी वह लौट आई है और उसने बताया है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के पंडेर थाने के कंजर कॉलोनी निवासी लक्ष्मण कंजर पुत्र धारिया कंजर उसे सहयोगियों के साथ बिस्कुट खिलाने के नाम पर ले गया था और कुछ दूर ले जाने के बाद उसे बिस्कुट खिलाया तो वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे अमानवीय यातनाएं देते हुए वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। उससे जबरन वेश्यावृत्ति कराकर आरोपी पैसे कमाते थे। इस दौरान वादी की पुत्री को विकास नाम का एक युवक मिल गया और पूरी जानकारी होने के बाद वह आरोपियों के चुंगल से बाहर लाकर उसे यहां अपने घर ले आया। दोस्तों बताते चले कि फिलहाल आरोपी लक्ष्मण कंजर को 1,02,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, साथ ही 3 वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई है। और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय समाचार चैनल, इसलिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।